हे गाइस इट्स मी मंकी संदीप, कम बैक टू अनदर वीडियो। रात को मैं बहुत लेट सोया क्योंकि रात भर वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। कल मैं गया था बाइक मेरी सर्विसिंग कराने के लिए, अपनी एके 47 सर्विसिंग कराने के लिए गया था मैं। तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया वीडियो में, वीडियो अपलोड हो गया, आप देख सकते हो। और कुछ मजा नहीं आया वैसे मुझे बाइक की सर्विसिंग में, लेकिन बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। सर्विसिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा, बिल्कुल खराब रहा। और मैंने ये फिल्टर लगाया था, आपने देखे होंगे वीडियो या मेरे वीडियो डिलीज देख रहे हो तो आपको पता होगा मैंने फिल्टर लगाया था बाइक में, तो इसको मैंने निकाल लिया हूँ। मैं अभी घर पे हूँ और मेरी बियर्ड काफ़ी बढ़ गई है, तो उसको भी जाके सेव कराते हैं। और मॉर्निंग में जल्दी उठ गया तो उस वजह से ऐसा मुझे थोड़ा नींद जैसा लग रहा है कि मुझे नींद आ जाएगी जल्दी, तो शायद आफ्टरनून में मेरे को नींद बहुत आएगी या फिर आज रात को मेरे को बहुत नींद आने वाली है। लेकिन फिर भी मुझे सारा वीडियो एडिट करके मुझे फिर सोना पड़ता है, तो इतना सारा काम होता है। जिस जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और नागपुर सिटी से कौन कौन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे मैं मेरा DSLR सेल करने का सोच रहा हूँ, ये कैनन 200D Mark II है, और अगर मुझे कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तो मैं इसको पक्का सेल कर दूंगा। अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना या फिर इंस्टाग्राम पे भाई DM कर लूँगा। किसी को चाहिए तो मुझे कोई अच्छा ऑफर देगा तो मैं इसको जरूर उसको सेल कर दूंगा। और अभी सबसे पहले तो सलून चलते हैं, सलून जाना है क्योंकि बियर्ड कट कराना है। ये रही अपनी बाइक और ये रही उसकी चाबी। गाइस मैं सलून आ गया और आने से पहले मैंने नैना को पिक कर लिया। निकाल लिए भैया, बोलो तुमको कहाँ से दिख गया मैं अंदर। चमन चूड़ियों को अंदर ही दिख गया। गुड इवनिंग गाइज, मैं वेट करने के बाद वहाँ से निकल गया था, फिर घर चला गया था, तो उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी इवनिंग का टाइम चालू है और आज का वेदर, आज सुबह से इतनी सी भी धूप नहीं आई है, बिल्कुल धूप नहीं आई है। और अभी संक्रांत आने वाली है, जनवरी 14 तारीख को है ना संक्रांत, या 15 को है, 14 को ही ना, तो 14 संक्रांत है। और देखो ऊपर, अरे यार दिख नहीं रहा है ऊपर, कहीं पतंग नहीं दिख रही है। हाँ वो उधर छोटी सी पतंग दिख रही है, ये ऊपर में आपको दिखेंगे यह पतंग। पतंग का है यार, कैमरे में पतंग नहीं आ रही होगी, वो ऊपर ऊपर है ना, पर बहुत छोटे छोटे पतंग दिख रहे हैं, तो हम पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखो तो अभी पेचा लेंगे दूसरे पतंग के साथ। मैं व्लॉग कल कंटिन्यू नहीं कर पाया था इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियोज़ देखते हो मेरे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात मुझे गलत लगती है। इनकी पतंग कट गई। मैं मजा देख के पहले बोला ना, तुम्हारा मंजा बहुत खराब है। ये खर मंजा है, खर मंजा नहीं भाई, मेरे को प्लेन मंजा पसंद है जिसमें पूरी कांच भरी हो, ऐसा स्पीड में जब जाता ना काट डालता, जो बीच में ना काट डालता उसको। अभी किसकी काटा ना, अभी ढील देके काटेंगे। लो पहली पतंग उड़े, पहली पतंग कट गई। पतंग कटने के बाद दुख भरा सीन। पतंग कटा के पतंग कटाने के बाद, कटने के बाद क्या होगा, सीने में दर्द और क्या होगा। हंसते से हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं कि हमें कोई दुख नहीं होता, नहीं होता। वैसे तो पतंगे बहुत सारे और बहुत सारे पतंग हमारे दूसरे के, अभी हम उड़ाएंगे। आप पीछे से बच्चे उड़ा रहे थे और बच्चे काट रहे, बच्चे ही काट रहे हैं। अच्छा है, दूसरी पतंग उड़ाई और वो भी गिर गई। दूसरी पतंग उड़ गई है भाई अपनी। तुमको पीछे लेना नहीं आता, मैं लेके दूंगा। ये इनको उड़ाने मास्टर बोलते अपने को। तो मास्टर जी हम प्रिंसिपल है ना, थ्री हार्ड ले मंजा तोड़ दिया, कटन बन रहे हैं। क्या तोड़ दिया, देखा क्या कैसी पतंग काटा हुआ है, पतंग काटी हुई दिखा है। गिर रही क्या, कैसे बोले वो गिर रही होती है। वो उधर बिल्कुल एकदम 10 मोहल्ले पार पतंग काट रहे हो, यहाँ से कैमरे में क्या आएगा। एक पतंग काट के बोल रहे हैं, अभी दूसरी बार काटेंगे तब दिखाएंगे। क्या दूसरी बार तुम्हारे कट जाएंगे, बाल नहीं बनते रहें। वो देखो वहां से वो प्रज्वल उड़ा रहा, कहा है प्रज्वल, ये खींच रहा है, ये पतंग खींच रहा। अरे बड़ा पतंग उड़ाएंगे, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो क्या। लो हमारी वो भी पतंग कट गई, अभी प्रज्वल ने दूसरी पतंग उड़ाई अभी। तो अंधेरा भी हो रहा था, वीडियो को यही पे एंड करते हैं। तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, संक्रांत आ रही है, पतंग उड़ाते रहो।